हमीरपुर जोन के प्रगतिशील किसान भाई श्री गुरुमंगत सिंह जी, आपने गन्ने के साथ मटर की सह फसली खेती की है। आप रोल मॉडल के रूप में किसानों के बीच में जाने जाते हैं, तो मैं आपसे आह्वान करूंगा कि गन्ने के साथ मटर की सह फसली खेती के बारे में कुछ बताएं भाई गुरुमंगत सिंह। सर, कई सालों की मेहनत के बाद में हमने ये गन्ने में सह फसली पहले करते थे। तो गन्ने में क्या करते थे कि गन्ने की बीज की लाइनों में हम फसल बोया करते थे। उससे ये होता था कि हमारे जो जहाँ पे हमारा गन्ने का जर्मिनेशन होता था वहाँ पर हमारे घरपतवार हो जाया करते थे। उसी के क्रम में सर हमने इसको सुधार करते हुए पूरे एरिया में मटर को सीड ड्रिल से मैंने इसको मटर को बोया, और सीड ड्रिल से बोने के तुरंत अगले दिन मैंने इसके अंदर गन्ना लगा दिया, जिसका मुझे ये लाभ मिला कि आज मेरे पूरे खेत में मात्र एक एकड़ में मेरा 3,000 रुपये का बीज लगा है। 3,000 रुपये का, और 3,000 रुपये के बीज में ये मेरी मटर पूरी हरी भरी लहलहा रही है। अगर हमारा व्यापारी इस मटर का आराम से 40,000 से ऊपर, 50,000, 60,000, मार्केट के हिसाब से हमें 80,000 रुपये एकड़ तक का इससे हमें दे देता है, तो हम उसको व्यापारी को कच्ची फली में दे देते हैं। और मैं और आपको आगे के क्रम में बता रहा हूँ कि अगर हमारा व्यापारी या हमारी मार्केट डाउन होती है तो हम इस मटर के बीज बना लेते हैं। वो जो बीज है हमारा एक एकड़ में 10 क्विंटल बड़े आराम से निकल जाता है। उसकी ग्रीडिंग कराकर कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है, वहीं से व्यापारी हमारा जो बीज है 5,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से आराम से ले जाते हैं। अगर मार्केट की प्राइस अच्छी हुई, किसान की किस्मत अच्छी हुई, तो वो और भी महंगा बिक जाता है। तब भी हमारा जो खेत में मटर है वो 50,000 रुपये एकड़ से कभी भी कम नहीं आता। और इस मटर में हमारी मात्र 3,000 रुपये का बीज लगा है। अब इसके अंदर हमें कोई खाद नहीं डालनी है, मगर हाँ NPK का स्प्रे करेंगे, और एक दो चीज़ें अगर हमें इसमें सुंडी लग गई है तो उसके लिए कोई कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ा वो करेंगे। इसके अलावा हमें इसके अंदर कोई लागत नहीं लगानी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमारे खेत में सह फसली के रूप में मटर होती है तो जो हमारा गन्ना निकलता है उसका जो जमाव होता है तो उसके ऊपर भी एक शेल्टर का ठंड को रोकने का काम करती है जो फसल, जिससे हमारा जो गन्ना है वो बिल्कुल मजबूत रहता है। और इससे हम दोहरा लाभ ले सकते हैं। एक तो हमारा गन्ना नीचे तैयार हो रहा है, उसकी भी उपज अक्टूबर वाले की सबसे ज़्यादा आती है। दूसरा, हम इसमें मटर जो है मटर का भी हम लाभ ले सकते हैं, और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। यस, तो मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ। या ई मैप के लिए वो अलग बना लें।